विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में 151वें मासिक राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के महासचिव सुरेंद्र चड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर 35 जरूरतमंद परिवारों को राशन भेंट किया। इस अवसर पर पंडित अनिल शर्मा, योगेश धीर, सत्यनारायण अग्रवाल, सरवन कुमार, इंद्र कपूर, धर्मपाल अरोड़ा, सुरेंद्र गुप्ता, रतन चंद सैनी, डॉक्टर रविन्द्र वर्मा, शिव पूजन पांडे, साहिल, दिनेश नाग, सेवालाल सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज बाबा सोडल मंदिर विश्व हिंदू परिषद वालों हर महीने की तरह इस बार भी 151वां राशन वितरण जरा समारोह जरा किया गया। जेडे विश्व हिंदू परिषद वालों जेडे लोग अपना कुछ नहीं काम कर सकते उन्होंने इन्हों की सहायता देते हैं। ये बड़ा ही प्रशंसनीय और अच्छा काम है। मैं बाबा जी के अगे प्रार्थना करता कि इन्हों इन्नी क सदबुद्धि दी जाए, इन्ना क इन्हों परिश्रम कर बल मिले कि हमेशा ही तरह ये हमेशा ही ये काम करते रहन, जिन्हें पब्लिक की जी सेवा जी है वह होंगी रहे और बाबा जी का आशीर्वाद इन्हों का हमेशा ही बनया रहे। जय बाबा सोडल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जालंधर महानगर की तरफ से आज श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में 151 मासिक राशन वितरण का आयोजन किया गया है और आज के इस कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान श्री सुरेंद्र चड्ढा जी हैं। आज श्री सिद्ध बाबा बजरंग दल जालंधर महानगर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है श्री सुरेंद्र चड्ढा जी को सम्मानित करने के खुशी में, क्योंकि आपने एक पर्दे के पीछे रहकर लड़ाई लड़ी और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से हमें विजय हासिल हुई है कि सारा मंदिर प्रांगण श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के अंदर होगा। इस बात को लेकर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा सोडल से प्रार्थना करते हैं कि श्री सुरेंद्र चड्ढा जी को शक्तिशाली गौरवान्वित बनाएं, ताकि ये समाज का काम, धर्म का जो काम है, इसको आगे बढ़ाएं और हम सबका जो सपना है पूरे जालंधर वासियों का कि सोडल मंदिर में भगवान बाबा सोडल जी का स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर जल्दी से जल्दी सुंदर का सुंदर बन जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सुरेंद्र चड्ढा जैसे कार्यकर्ता बाबा जी के सेवादार अगर तन मन से इस काम में जुड़ जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब विश्व में लोग आकर के श्री सिद्ध बाबा सोडल जी के स्वर्ण निर्मित मंदिर का दर्शन करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे।